हो गया, ये कहती गरजना बरसना चमकना बंद हो गया, सूरज का प्रकाश आ गया, आकाश खुल गया। महाराज जी बोले, वहाँ पहुँचने के बाद बोले, पंडित जी आज तो कथा कथा नहीं रही, कथा लीला हो गई, गोवर्धन धारण लीला का दृश्य प्रकट हो गया। ऐसा हो जाता है, ये हमारी कथा की विशेषता नहीं थी, ये सद्गुरु भगवान की उपस्थिति की महिमा थी। वो जिस भाव राज्य में बैठकर छाक लीला देख की ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये कैसो परब्रह्म परमात्मा, बड़े बड़े वेदज्ञ ऋषि बड़ी विधि पूर्वक श्रौत यज्ञ करें, पुरोडास को चरु को निर्माण करें और मंत्रोच्चारण पूर्वक भाव पूर्वक निवेदित करें, तो ही यह परब्रह्म परमात्मा यज्ञेश्वर हैवे के बाद हू प्रत्यक्ष प्रकट है के भाग को ग्रहण नहीं करे। वो ये कैसो परब्रह्म परमात्मा जो सामान्य ग्वारियान के बालकन की जूठन ने खाए रहे हो, ये कैसो परमात्मा है, संदेह है क्या? ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, कथा सुनते रहे तब तक शंका संदेह नहीं भया, लीला देखने आए तो संदेह हो गया। इसलिए पहले कथा सुनो, लीला देखो। कथा और लीला ये दोनों अंग हैं, होना तो ये चाहिए कि जहां जहां कथा होए वहां वहां लीला होए और जहां जहां लीला होए वहां वहां कथा होए, लेकिन लोग उतना भाव समझते नहीं हैं। गरुड़ जी महाराज लीला देख के मोह हो गया और कथा सुन के मोह की निवृत्ति हो गई। भगवान की नागपाश बंधन लीला कोई तो देखा था गरुड़ जी ने, गरुड़ जी को संशय सर्प ग्रसेउ उर्गारी, बताओ जो सांप का ही भोजन करते उनको संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया, डस लिया नहीं, डसेउ नहीं, ग्रसेउ, ग्रसेउ माने निगल लिया, गप कर गया संशय रूपी सर्प, ये तो मोहड़े ते निकालवे की सामर्थ्य कथा में है। संशय रूपी सर्प के मोहड़े से गरुड़ जी को निकाला, का घुसुंड जी की कथा, लीला कथा, क्या कहना, अद्भुत है। लीला भी कथा ही है और कथा भी लीला ही है, कारण आप भावपूर्वक कथा कहिए सुनिए तो कथा कथा नहीं रह जाएगी, कथा लीला बन जाएगी, आपको दृश्य आपके भीतर उपस्थित होने लग जाएंगे, भाव के दृश्य, भाव राज्य में वे सब लीलाएं सत्य होने लग जाएंगे। ऐसा हो जाता है, कई बार कथा के साथ लीला चलती है। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की उपस्थिति थी टीकमगढ़ में एक यज्ञ में, दास को ही वहां कथा कहने के लिए आज्ञा मिली थी, हम कथा कह रहे थे और महाराज जी जैसा पक्का श्रोता, एक जैसे विग्रह जैसे मूर्ति जैसे बैठ के महाराज जी कथा सुनते। गर्मी के समय में कथा यज्ञ था, गर्मियों में यज्ञ होते हैं, कथा भी गर्मियों में ही हो रही और सवेरे का समय तो कथा के लिए वही समय निश्चित किया गया था। और जैसे ही गोवर्धन लीला का प्रसंग आया तो इधर हमने कहा कि
इंद्र क्रुद्ध है गयो और मेघ गड़गड़ गड़गड़ गर्जने लगे। ये वाक्य कहते ही मेघ गर्जना शुरू हो गया। आश्चर्य की बात, पहले वर्षा का कोई लक्षण नहीं था, कहाँ से बादल आ गए और इतनी जोर की वर्षा भई। कथा भी चलती रही, वर्षा भी जोर की होती रही। बुंदेली में कहते पौरा बह गए, माने जहां बैठे थे लोग वहां सबके ऊपर से जले, ये सब बैठे और ऊपर से पानी बह रहा है और श्रोता भी ऐसे पक्के और कथा भी खूब भई, लीला माने कथा भई। और ठाकुर जी ने सात रात सात रात्रि सात दिन सात रात्रि गिरिराज जी को कनिष्ठिका पर धारण किया, इंद्र का मान मर्दन हुआ और बादल गरजना पानी बरसना बंद हो गया, बिजली चमकना बंद हो गया। ये कहती गरजना बरसना चमकना बंद हो गया, सूरज का प्रकाश आ गया, आकाश खुल गए। महाराज जी बोले, वहाँ पहुँचने के बाद बोले पंडित जी आज तो कथा कथा नहीं रही, कथा लीला हो गई, गोवर्धन धारण लीला का दृश्य प्रकट हो गया। ऐसा हो जाता, ये हमारी कथा की विशेषता नहीं थी, ये सदगुरु भगवान की उपस्थिति की महिमा थी। वो जिस भाव राज्य में बैठकर श्रवण कर रहे थे उस राज्य में कथा कथा नहीं रहेगी, कथा भगवान की लीला होगी। भगवान की कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, ये भगवान की कथा जो है ना वो भक्ति महारानी के श्री अंग का उबटन है। भजन साधन में भी मैल आ जाता है, अत्यंत निष्काम भाव से साधक भजन साधन में लगा है, भगवत सेवा में लगा है, भगवान की भक्ति करने में लगा है, पर उसमें भी मल आ जाता है। अरे हम रात्रि को 2 बजे उठ जाते हैं, 1.5 बजे उठ जाते हैं, 2.5 बजे उठ जाते हैं, हम तो 4 बजे जमुना जी में गोता ही लगा लेते हैं, ये देखो 8 बजे तक सो रहे हैं, हम इतना लाख जप लेते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं जपते, एक माला भी नहीं करते हैं। ये जो साधन का अहंकार है ये भक्ति महारानी के श्री अंग का मैल है। और ये कथा सुनकर जाएगा, आप चाहे जितना भजन करते हो, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के नाम स्मरण की चर्चा सुनेंगे कि 22 घंटे वे बैठकर उच्च स्वर से एक आसन से हरिनाम का उच्चारण करते थे, महामंत्र का उच्चारण पूर्वक जप करते थे और बचे कितने घंटा, 2 घंटा। 2 घंटे में शरीर की सारी क्रिया, उसी में भिक्षा ग्रहण करना सब कुछ कर लेना 2 घंटे के भीतर, फिर 22 घंटे बैठकर नाम का वैखरी वाणी से उच्चारण पूर्वक जप करना। किसी के मन में अहंकार रहेगा कि मैं इतनी देर कीर्तन करता हूँ, इतनी देर जप करता हूँ, एक से बढ़कर एक चरित्र हैं। तो चरित्रों के श्रवण से समझ में आ जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम हैं क्या, अभी तो साधन का सा भी हमें नहीं आया है, हमें कुछ नहीं आया है। एक नाम भी जो जिह्वा पर प्रकट हो रहा है तो महिमा एष वृंदावनस्य, राधा सुधा निधि जी में ये बात कही गई है कि कहाँ तो श्रीधाम वृंदावन, कहाँ युगल के नित्य विहार रस केली, और कहाँ प्राण्य हम गर्ह्य कर्मा, कहाँ में अत्यंत गर्ह्य कर्मा प्राणी, पर ऐसे प्राणी की जिह्वा पर भी श्री राधा नाम आ गया, कैसे आ गया। बोले फिर भी राधा नाम जिह्वा पर आ गया, ये हमारी महिमा नहीं है, महिमा एष वृंदावनस्य, ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है, ये धाम की महिमा है। इसलिए भूले भटके यत किंचित भी साधन बन रहा है इसमें अपना पुरुषार्थ नहीं है, इसमें हरिगुरु संतों की कृपा, धाम की कृपा ही मुख्य है। जहाँ ऐसा भाव मन में आया नहीं कि मैं करता हूँ या मैंने किया, वहीं से भजन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, धीरे धीरे भजन चौपट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हमारा भजन बढ़ रहा है
ये कैसे हमारे अनुभव में आवे, हमारा दैन्य बढ़े तो हमारा भजन बढ़ रहा है, और हमारा दैन्य नहीं बढ़ रहा है तो हमारा भजन घट रहा है। जितना भजन करते चले जाएं उतनी दीनता हमारे भीतर आती चली जाए, उतना अधिक हम अहम शून्य होते चले जाएं, तो समझ लेना कि भजन ठीक रास्ते पर चल रहा, अभी ठीक ठीक से भजन हो रहा भगवत कृपा से, ये समझना चाहिए।